बच्चा पांडे जी, सीपीआई सीपीएम के सम्मानित नेतागण, सभी को मैं महागठबंधन के तरफ से आदाब प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोगों एक विकट परिस्थिति में से गुजर रहे थे, लेकिन लेकिन अब लगता है कि किनारा मिल गया। आज ये बड़हरिया विधानसभा हर विकास से वंचित और बहुत लंबे समय से इंतजार था कि हमारा यहाँ अपना विधायक हो और राष्ट्रीय जनता दल के जो सम्मानित यहाँ पर नेतागण हैं और मैं जिनके कार्यकर्ता हूँ, वो जिनके सिद्धांत की व्याख्या हमारे विरोधी दल भी करते हैं। हमारा सिद्धांत है महागठबंधन में जितने भी दल हैं वो सब हमारे लिए सम्माननीय हैं। मैं उनके कंधे से कंधे मिलाकर महागठबंधन के सरकार को बनाना है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, यही हमारा लक्ष्य है। इसी लक्ष्य के साथ मैं जिले के जन जन तक जाती हूँ और जहाँ मुझे अपने लोग बुलाते हैं मैं वहाँ पहुँचती हूँ। मैं ये नहीं समझती हूँ कि मैं कोई नेता हूँ नेत्री हूँ, मैं अपने आप को एक छोटी सी वर्कर देखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा वर्कर का जो सम्मान है वो हमेशा बना रहे। मुझे कोई सीट का किसी चीज की लालच नहीं है। क्या मुझे लालू जी इतना सम्मान देते हैं, मुझे अपनी बेटी की तरह से नाम लेकर पुकारते हैं, यही मेरे लिए गौरव की बात है। मेरे राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन के जितने भी नेतागण हैं, मैं चाहती हूँ जितने बड़े बुजुर्ग हैं मुझे मेरे नाम से पुकारे, मुझे बहुत गर्व होता है, मुझे खुशी होती है। रह गई सरकार की बात, जो वर्तमान में बिहार सरकार में एनडीए का है, आज उनके वजह से हम सभी महिलाएं कितनी त्रस्त हैं। हमारी जैसी महिलाएं जो आंगनबाड़ी सेविका है, सहायिका है, या हमारी टीचर है जो अपनी मांग को लेकर पटना जाती है, उन्हें अपमानित करके लाठियां बरसाई जाती है उनके ऊपर। हमारे भाई बंधु जाते हैं अपने नौकरी के लिए, हक हकूक की मांग को लेकर उन पे लाठियां बरसाई जाती है और कहते हैं कि हमने बहुत विकास किए हैं। अभी हम लोग हर मार से झेलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। माननीय अजय चव्हाण जी ने बहुत बारीकी से हर बात को एक नजर रखा, एक एक वर्ड को उन्होंने सजा कर आपके बीच में रखा। मैं तो टूटी फूटी लफ्जों में आपके सामने खास खास बातों पर तवज्जो देना चाहती हूँ। जैसे हम लोग आज कोरोना के मार से अभी झेल ही रहे थे, हमारे कितने भाई बंधु इस दुनिया को अलविदा कह दिए इस कोरोना के वजह से। कहीं पे वहाँ कहीं किसी हॉस्पिटल में हेल्थ का कोई उनका सुविधा नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। गरीब भाई बंधु को कोई बीमारी होती है, एक दवा के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ता है, एक डॉक्टर का लाइन में लग कर दिखाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। आज से 10 साल पहले भी बहुत अच्छे थे सरकारी हॉस्पिटलों में सुविधा। आपको पता था कि आपके जब माननीय पूर्व सांसद थे तो मात्र 50 रुपए में प्राइवेट डॉक्टरों के यहाँ फीस दे के हम अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट करा लेते थे। सरकारी हॉस्पिटलों में कैंप करके दवाएं बांटी जाती थी, तो मैं मुझे भी थोड़ी सी ख्वाहिश जगी थी कि मैं भी लोकसभा का चुनाव जीतूं और मैं वही दिन लाऊं अपने भाइयों बंधुओं के लिए, अपनी माओ बहनों के लिए, कि वही सुविधा उन्हें भी मिले जो पहले मिलता था, वो मान सम्मान मिले जो उन्हें मिलता था, जो जिसके वो हकदार हैं। लोग कहता है कि महिला संसार की जननी है, तो महिलाओं के साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, हमारी मासूम बहनों के साथ इतने अत्याचार क्यों हो रहे हैं। कहते थे पहले जंगल राज था, उन्हें हमने खत्म कर दिया। आज आप पेपर उठा कर देख ले, कोई भी ऐसा पेपर अछूता नहीं होगा जिसमें किसी हमारी बच्चियों के साथ घटनाएं नहीं घटी होंगी।
किसी हमारे भाई बंधु को हत्या ना किया गया होगा। इस वक्त कोई किसी का नाम लेने वाला नहीं है, उस वक्त तो एक ही नाम था, फला ने करवाया होगा, फला के लोग ने करवाया होगा। जिसके हम बुद्ध भोगी हैं, जिसको हम झेल रहे हैं, वो हम समझते हैं, हमारे लोग समझते हैं कि हम लोग किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। घटनाएं पर घटनाएं घटती जा रही हैं, फिर भी लोग कहते हैं विकास की गंगा बह रही है। आज हम गांव-गांव में जब जाते हैं तो रोडों में खंडक देखते हैं, इतने इतने खंडक है, वहां कोई काम कराने वाला नहीं है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले से जो पास किया हुआ जो रोड थे जो बन गए, उसको दिखाया जाता है, उसको अपने नाम गिनवाया जाता है। आज अगर वो ओवर ब्रिज है अंदर ढाला पे, वो किसकी देन है? अगर स्टेशन पे सुख सुविधा है तो वो किसकी देन है? हमारे ही सरकार की देन है। अगर माननीय लालू जी रेल मंत्री नहीं होते तो ना हमारे मशरक में रेल चक्का कारखाना लगता और ना उसमें हजारों हमारे गरीब भाइयों का रोजी रोजगार चलता। देखिए सिवान की विडम्बना देखिए, तीन तीन शुगर मिल थी जो तहस नहस हो गई, खत्म हो गई, जमीनें भी बेच दिया गया, ये किसका काम है? हमारा। आज एक सूता फैक्ट्री बचा था, उम्मीद थी कि उसमें हमारे हजारों भाइयों की नौकरी है, कम से कम उससे किसी के घर की दिया तो जलता है। आज वो भी तहस नहस कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, कल उसको टुकड़ों में बांट कर बेच दिया जाएगा। और नीतीश जी ने बहुत सारे उद्योग धंधे लगाने के वादे किए थे, एक सुई का भी कारखाना नहीं लगा। हमारे मजदूर भाई आते हैं, अलग अलग स्टेट में गए थे अपने रोजी रोजगार के लिए, वहां से जब कोरोना की मार को झेलते हैं तो अपने घर वापस आते हैं, कहते हैं आधी रोटी खाएंगे, अपने घर में रहेंगे। जब अपने घर आते हैं तो उन्हें प्रवासी का नाम दिया जाता है। उन्हें रोजगार देनी चाहिए थी, उन्हें सुख सुविधा देनी चाहिए थी, उन्हें एहतियात देना चाहिए था। रास्ते में वो कैसे कैसे यहाँ से गुजर के आए हुए हैं। किसी ने अपने बच्चे को गंवा दिया, गोद के बच्चे को, किसी ने अपनी माँ को गंवा दिया, किसी ने अपने बेटे को गंवा दिया, इसकी भरपाई कौन करेगा? उनका विकास करेगा? गठबंधन से लालटेन छाप के वोट देकर इसकी भरपाई करेंगे? यह पार्टी सामाजिक न्याय की पार्टी है, चर्चा करना चाहते हैं। ये लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन दादाओं से लड़ाई है जो करते क्या है, जो कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जो कभी मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, और हमारे ही नौजवानों को और हमारे हरियाली को तोड़ करके सत्ता में आ जाते हैं, फिर क्या होता है? हम लोग लोकसभा के चुनाव में घूम रहे थे, हम लोग ने बार बार कहने के बाद भी, विशेष करके मैं निवेदन करना चाहता हूँ अति पिछड़ा समाज के नौजवानों से, विशेष करके मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, हम लोग के बार बार चिल्लाने के बाद भी सामने एनडीए के लोगों ने इस कदर हमारे लोगों के जहन में या जहर पैदा कर दिया कि जब मोदी को आप लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे तो पाकिस्तान का इलाज करने का काम करेंगे। हुआ यही हुआ उन लोगों को समझाने से हमारे नौजवान गरीब गुरबा दलित शोषित वंचित लोग बहकावे में आ गए, और क्या हुआ? अपना ताकत देकर के और इस वजह से प्रधानमंत्री के कुर्सी पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लोगों ने ताकत दे दिया। उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, 6 साल का 7 साल का समय बीतने जा रहा है। अब बिहार और देश की आवाम और नौजवान पूछना चाहते हैं, और ये आप लोगों को भी पूछना पड़ेगा। आप तक नहीं पूछेंगे तब तक यह लड़ाई हम लोग जीत नहीं सकते हैं। अब आप लोगों को उनसे सवाल करना होगा, जब आप सवाल करेंगे तब जाकर के न्याय हमें मिलेगा। सवाल क्या करना होगा? अब माननीय प्रधानमंत्री से सवाल पूछना होगा, उनके जो भी प्रतिनिधि है उनसे सवाल पूछना होगा कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था, क्या घोषणा किया था? 1-2 करोड़ नौजवानों को हम रोजगार देंगे, प्रधानमंत्री जी क्या हुआ? आपको सवाल पूछना होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपया इन गरीबों के खाते में भेजेंगे, प्रधानमंत्री जी क्या हुआ? चूकना नहीं है, यही वक्त है आपको सवाल पूछने की। पूछना होगा प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री
लेकिन इंडिया का क्या हुआ? पूछना होगा प्रधानमंत्री जी और उनके प्रतिनिधि से, उनके प्रत्याशी के, उनके प्रत्याशी से, क्या बताने का जांच करिए कि जीएसटी और नोटबंदी का फायदा आवाम को क्या हुआ, ये सवाल पूछना होगा। और यही सवाल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी आप लोगों को पूछना होगा। मुख्यमंत्री जी आप बताने का कष्ट करिए, बिहार के आवाम और बढ़िया की आवाम, गरीब गुरबा किसान नौजवान आपसे जानना चाहता है कि जब कोरोना का काल था, जब लोग महामारी के दौर से तमाम आवाम गुजर रहे थे, चारों तरफ जब हाहाकार मचा हुआ था, तो यही सीपीआई एमएल के साथी और राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही इसमें हम लोग थे। जान हथेली पर लेकर के माननीय नेत्री के निर्देशन के आलोक में यह हम लोगों को निर्देशित करते रहते थे कि आजाद जी लड़ाई बहुत बड़ा है। आप देख लीजिए ये सवाल उनसे पूछ रहा होगा। जब हाहाकार मचा हुआ था, लोगों में हाय तभी मची हुई थी, बाढ़ के दौर से तमाम लोग परेशान थे, नीतीश कुमार जी ये नैतिकता के आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सुद्धू का साथी नहीं होगा उसको अपना समर्थन हम कभी नहीं देंगे। आपको संकल्प लेना होगा, आपने ताकत दिया था। एक और सवाल हम पूछना चाहते हैं अध्यक्ष जी, अगर डिटेल हो रहा है तो क्षमा हम चाहेंगे। एक और सवाल उनसे पूछना चाहते हैं कि 2015 के समय में वो आते हैं आदरणीय लालू जी के पास और कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। उन ताकतों को रोकने के लिए हमें महागठबंधन बनाना पड़ेगा। उन्होंने लालू जी से कहा और लालू जी ऐसे नेता है, ऐसे सर्वमान्य नेता है कि वह स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं महागठबंधन के चेहरा नीतीश कुमार है। और आप लोगों को ताकत चाहिए, आप लोगों को अपना प्यार देना होगा। बिहार में हुआ यही, तमाम गरीब गुरबा वंचित शोषित दलित महादलित और सामाजिक न्याय में आस्था रखने वाले मुख्य धारा के लोग भी क्या किए, महागठबंधन को ताकत देकर के। और बिहार में जबकि राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में 80 विधायक राष्ट्रीय जनता दल का आया हुआ था। नियम तो यह कहता है कि जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होती है सत्ता में मुख्यमंत्री उसका होना चाहिए, लेकिन लालू जी ने बहुत बड़ा त्याग किया। और क्या किया उन्होंने, मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को गद्दी पर बिठाने का कार्य किया। और देख लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस में हमें परेशानी हो रही थी, उस वजह से उन्होंने गठबंधन से नाता तोड़ लिया। और तोड़ने के बाद देख लीजिए उनके नियम और कानून, शाम को 5 बजे वहाँ व्यक्ति रिजाइन करता है। और यही छलिया पार्टी जो हर वक्त थाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके और सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लेते हैं। कहाँ चला जाता है बाबा साहब के दिए हुए संविधान का नियम और कानून को जिन्होंने अपमानित करने का कार्य किया है। अब समय आ गया है, ये समय का जवाब तमाम उन गरीब गुरबा, ये जो हमारे नौजवान साथी है, बूढ़े किसान साथी है, ये आप लोगों को जगना पड़ेगा और आप लोगों को सवाल के साथ जगना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना मत हमको दे दे, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम आपके सुख दुख के साथी रहे हैं तो आपको यह संकल्प लेना होगा और अपने अधिकार के लिए, गरीब गुरबों के लिए और बच्चा पांडे जी को जिता कर यहाँ से भेजना होगा। ये लड़ाई आप सबों की लड़ाई है। निवेदन करना चाहता हूँ, एक घटना छोटा सा और जिक्र कर देना हम चाहते हैं। हम यहाँ से जब मैडम हिना साहब द्वारा किया गया, आप तमाम बड़हरिया विधानसभा के जनता जनमानस को मैं अभिनंदन करता हूँ और यहाँ मंच पर उपस्थित लोकसभा की पूर्व प्रत्याशी मैडम हिना साहब, अजय चौहान जी पूर्व मंत्री, माननीय इंद्रजीत प्रसाद जी बड़हरिया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, मोहम्मद नवीन साहब, श्रीमती लीलावती गिरी, कबीर जादव जी और बड़हरिया विधानसभा के प्रत्याशी बच्चा पांडे जी और हमारे यहाँ उपस्थित महफूज इकराम साहब, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बीच महागठबंधन के प्रत्याशी श्रीमती हिना साहब, लालू यादव ने जो सिंबल देकर भेजा है इस प्रत्याशी को, हमको उनको चुनाव निशान लाते हैं, 76 वोट देकर जीता है, हम लोगों के बीच नहीं है। हमेशा उन्होंने गरीबों की लड़ाई, शोषितों की लड़ाई,
प्रत्याशी को एक एक अपना वोट लाते